ऑल राइट गाइस, तो रैंडमली मैं एक ऐसी मैच खेल रहा था और मैं उतर रहा था पिक के साइड, लेकिन गाइस मैं गलती से उतर गया यहाँ पे क्लॉक टावर। बट गाइस मैं जैसे ही क्लॉक टावर उतरा, तब गाइस मैं देखता हूँ जस्ट मेरे ऊपर के साइड यहाँ पे 3 से 4 बंदे उतरते हैं और उनको देख के मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि गाइस देखो यार यहाँ पे क्लॉक टावर पे मैं अकेले रहता हूँ और गाइस वो जो स्क्वाड रहती है वो पूरे के पूरे 4 बंदे रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि गाइस देखो यार मेरे को आगे चल के उनके साथ फाइट करना था, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ भाई चलो उनके साथ अपन लोग फाइट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल के अपन लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जल्दी से लूट कर लेते हैं एंड देन यार उनके साथ अपन लोग यहाँ पे फाइट करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर क्या था, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी घर के अंदर आता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं लूट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। लूट करने के साथ यहाँ पे गाइस देखो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट रेंज की सबसे बेस्ट गन मिल जाती है M10। अब गाइस यार M10 मिलने के बाद मतलब मैं और भी ज्यादा हैप्पी हो जाता हूँ कि चलो भाई अब तो मैं उनकी स्क्वाड पूरी मार दूंगा, ठीक है। एंड देन यार उसके बाद मैं जैसे ही इधर खिड़की की साइड आता हूँ, तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई इधर बगल के साइड यहाँ पे एक बनी बंडल रहता है जो कि गाइस यहाँ पे लूट करता रहता है। तो गाइस यार बनी बंडल को देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ कि आखिर ये बनी बंडल है कौन। तो गाइस देखो इसको देखने के लिए मैं तुरंत नीचे के साइड जाता हूँ, लेकिन तभी गाइस शायद इस बनी बंडल ने ना मेरे को यहाँ पे देख लिया था और गाइस ये बनी बंडल मेरे को यहाँ पे मारना चाहता था। तो गाइस इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे संभल के खेलता हूँ, क्योंकि गाइस देखो यार बनी बंडल ये अचानक से यहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर देता और जैसे मैं ऊपर की साइड देखता हूँ भाई यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि भाई ये सचमुच में ये बनी बंडल ही है। तो गाइस फिर क्या था, गाइस मैं भी उसको मारने के लिए इसके पीछे भेजा जाता हूँ और गाइस बनी बंडल भी मेरे को मारने के लिए इधर आता है, लेकिन गाइस बनी बंडल क्या ही तो मूवमेंट दिखा के भाग रहा था भाई, मतलब ये जल्दी मतलब मेरे को मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन गाइस देखो लास्ट में इसको मारने के लिए जाता हूँ भाई, तभी भी ये बनी बंडल यहाँ पे वॉल लगा के फिर से बच जाता है। फिर क्या था, मैं तुरंत शॉट में जाता हूँ, शॉट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो बनी बंडल मेरे हाथों यहाँ पे डाउन हो जाता है, ठीक है। डाउन होने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, बैठने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मेरे से गलती से फिर से यार एक बार इमोट दिख जाता है। इमोट दिखाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे गिल्टी फील होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं बनी बंडल के साथ टीम अप करता हूँ और उसके बाद गाइस जल्दी से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूट करता हूँ, लूट करने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट आगे के साइड निकल जाता हूँ और गाइस यहाँ पे देखो मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, तब तक गाइस देखो मेरे सामने यहाँ पे एक रेड क्रिमिनल दिख जाता है भाई। इसको देखते मैं तुरंत यहाँ पे मैं वॉल लगा देता हूँ। वॉल लगाने के बाद गाइस मैं सोच रहा था कि भाई आखिर ये रेड क्रिमिनल बनी बंडल आखिर है कौन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत इसके शॉट में आता हूँ, तब तक गाइस ये जो रेड क्रिमिनल रहता है ना भाई यहाँ पे ये ड्रम फोड़ के मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। एंड गाइस डाउन करने के बाद भाई ये बंदा मतलब मेरे को तुरंत क्लियर कर देता है। मैं आखिर सोच रहा था कि भाई ये रेड क्रिमिनल ये बनी बंडल अचानक से क्लॉक टावर पे कहाँ से आ गए, मैंने तो गाइस बनी बंडल को मार दिया फिर यहाँ पे रेड क्रिमिनल आ गया, भाई रेड क्रिमिनल ने मेरे को ड्रम फोड़ के वहाँ पे डाउन कर दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब वो रेड क्रिमिनल ने मेरे को वहाँ पे डाउन किया, डाउन करने के बाद गाइस वो बंदा ना मेरे को वहाँ पे इमोट वगैरह कुछ नहीं दिया दिखाया, मतलब वो डायरेक्ट मेरे को क्लियर कर दिया। गाइस मेरे को एक बात तो उसकी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो मतलब मैं पूरा कंफ्यूजन में पड़ चुका था कि भाई वो रेड क्रिमिनल और गाइस वो बनी बंडल कहीं सचमुच में कहीं BAS99 और राइ स्टार तो नहीं है। तो गाइस देखो उनको पहचानने के लिए मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना गाइस एक काम करते हैं, मतलब मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, मैं सोचता हूँ भाई एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ पे लूट करते हैं। लूट करने के बाद गाइस यहाँ पे तुरंत अपन लोग क्लॉक टावर पे भागेंगे और गाइस वहाँ पे जाके भाई फिर से उनसे अपन लोग टीम अप करने का ट्राई करेंगे। लेकिन तभी गाइस मेरे को अचानक से यहाँ पे गाड़ी के आने का आवाज सुनाई देता है। तो गाइस फिर क्या था, मैं उस गाड़ी को यहाँ पे देखने जाता हूँ, तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे रेड क्रिमिनल और गाइस यहाँ पे येलो क्रिमिनल है। तो गाइस फिर क्या था, मैं सोचता हूँ भाई ये काम करते हैं जल्दी से उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं भाई आखिर ये कर क्या रहे हैं ये रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी उनको फॉलो करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे इस एलसेप के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। एलसेप के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि भाई ये जो दोनों क्रिमिनल होते हैं ना यहाँ पे एक बंदे को किसी को इन लोग रिवाइव देते हैं। एंड गाइस रिवाइव देने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कुछ ही देर बाद भाई मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे एक बनी बंडल आता है और भाई ये दोनों क्रिमिनल उसके साथ यहाँ पे टीम अप करते हैं और भाई एक दूसरे को रोज देते हैं। भाई ये सब देख के मैं भी सोचता हूँ भाई मैं भी यार चलो इनके साथ टीम अप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस फिर क्या था, मैं इनके सामने जाके यहाँ पे लेट जाता हूँ और गाइस लेटने के बाद गाइस मैं सोचता हूँ भाई ये बंदे मेरे से यहाँ पे टीम अप कर लेंगे। एंड गाइस सचमुच में भाई ये बनी बंडल और रेड क्रिमिनल मेरे साथ यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं। एंड गाइस लिटरली यार ये सब देख के और भी मैं ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि भाई फाइनली यार ये दोनों मतलब मेरे से यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं। भाई मतलब मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना कि गाइस मैं बता नहीं सकता। एंड गाइस लिटरली यार मैं क्या बोलूँ गाइस इसी बात पे। गाइस एक आप लोग एक काम करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो अगर जो भी चैनल पर नए हो ना गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो एक अलग ही मूवमेंट बनने वाला था। गाइस यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा दोस्त बन गए थे, ठीक है। दोस्त बनने के बाद गाइस यहाँ पे देखो हम सब यहाँ पे साथ में मिलके यहाँ पे लूट करना स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं। मतलब गाइस देखो यार, बनी बंडल के पास लूट नहीं था, और गाइस देखो यार मेरे पास भी इतना कुछ खास लूट नहीं था। तो गाइस फिर क्या था, मैं भी यहाँ पे लूट करने के लिए घर के अंदर आ जाता हूँ। घर के अंदर आने के बाद गाइस मैं इधर उधर लूट करता हूँ, तब तक गाइस यार मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि भाई वो जो बनी बंडल और गाइस जो रेड क्रिमिनल रहते हैं ना, वो गाइस यार अचानक से यहाँ पे गायब हो जाते हैं। मतलब गाइस वो बंदे मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहते। मैं सोच रहा था भाई आखिर ये बंदे गए तो गए कहाँ। तो भाई फिर क्या था, मैं यहाँ पे तुरंत बाहर की साइड आता हूँ, और गाइस यहाँ पे आने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ, लेकिन गाइस तभी भी भाई वो बंदे मेरे को दिखते नहीं। मैं सोच रहा था भाई अचानक से ये बंदे आखिर गए तो गए कहाँ। भाई मतलब मैं तो हैरान हो गया, कहीं ये भी अचानक से भाई कहीं इनको जमीन तो नहीं निकल गया। लेकिन उसके बावजूद भी गाइस मैं सोचता भाई चलो भाई एक काम करते इधर उधर थोड़ा सा फायर करके देखते हैं, लेकिन भाई तभी भी वो बंदे मेरे को दिख नहीं रहते। तो गाइस मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई छोड़ो, फिलहाल मैं एक काम करते हैं, अपन लोग जल्दी से गाड़ी पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट आगे जोन के साइड निकलते हैं। क्योंकि गाइस देखो अगर फिलहाल में अगर अभी हम लोग उनके चक्कर में पड़ेंगे ना, तो गाइस हम लोग यार जोन के अंदर ही मर जाएंगे, ठीक है। और गाइस देखो जोन जो है ना अपना आगे पिक के साइड बना है। तो गाइस मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई फिलहाल में अपन लोग जल्दी से आगे पिक के साइड निकलते हैं, उसके बाद गाइस यार लास्ट वोस्ट में देखेंगे, लास्ट जोन में अगर बाई चांस अगर वो मिल जाएंगे तो फिर से उनके साथ अपन लोग यहाँ पे टीम अप कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर कहता है मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे गाड़ी पकड़ के तुरंत आगे पिक के साइड निकलता हूँ। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई आगे की साइड से फायर चल रहा है, मतलब मेरे को आगे यहाँ पे रेड डॉट वगैरह दिखते हैं। गाइस मैं देखता हूँ भाई आखिर मतलब आगे कौन फाइट कर रहा है। तो गाइस देखो उनको देखे, लेकिन मैं तुरंत यहाँ पे शॉर्ट के अंदर जाता हूँ, मतलब शॉर्ट रेंज के अंदर। और यहाँ पे जाने के बाद गाइस मैं देखता हूँ भाई आगे वहाँ पे एक लड़की लोग की स्क्वाड रहती है। और भाई ये जो लड़की लोग की स्क्वाड देते हो ना गाइस, वो दोनों रेड क्रिमिनल और गाइस ये बनी बंडल को डाउन करके इमोट दिखाती हैं। एंड गाइस लिटरली यार ये सब देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गाइस फिर क्या था, मैं उन लड़की लोग को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखो मैंने एक लड़की को यहाँ पे डाउन भी कर दिया था, ठीक है। डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो वो लड़की लोग तुरंत वहाँ पे वॉल लगा के अपने उस टीममेट्स को बचाना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस फिर क्या था, मैं सोचता हूँ भाई एक काम करते हैं, भाई इनकी तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड है, जल्दी से अपन लोग घर के अंदर जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत घर के अंदर आता हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मेरे सामने एक लड़की आती है, लड़की को अंदर वाला हेड मार के मैं डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं उधर उधर थोड़ा थोड़ा आता हूँ, तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई ये लड़की डाउन पड़ी है, इसकी टीममेट्स इधर उधर कहीं घूम रहे हैं। तब तक गाइस यहाँ पे देखो दूसरी लड़की आती है, दूसरी लड़की को भी यहाँ पे गंदा वाला हेड मार के डाउन कर देता हूँ। तब तक गाइस यहाँ पे देखो पीछे से मेरे को एक लड़की यहाँ पे मतलब यहाँ पे फायर मतलब मेरे को डैमेज दे रही थी। तो गाइस फिर क्या था, मैं इनको यहाँ पे गोल गोल यहाँ पे मतलब घुमाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत जैसे ही शॉर्ट रेंज के अंदर आता हूँ इनको मारने के लिए, तब तक गाइस यहाँ पे देखना अभी क्या तो सीन होगा। गाइस ये जो लड़की लोग की पूरी चारों बंदियाँ आ जाती हैं, और गाइस ये जो चारों लड़कियाँ मेरे को यहाँ पर डाउन करके भाई ये देखो ये मेरे को यहाँ पे इमोट दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। एंड गाइस लिटरली यार ये सब देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गाइस देखो यार ये जो लड़की लोग रहती है ना स्टार्टिंग में, ये मेरे मतलब दोनों दोस्त को ना ये लोग डाउन करके इमोट दिखाती हैं। वो जो रेड क्रिमिनल और बनी बंडल रहता है ना, वो गाइस मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड रहते हैं। अब भाई वो दोनों दोस्त को ये लड़कियाँ डाउन करके इमोट दिखाती हैं। एंड गाइस लिटरली यार ये सब देख के ना मतलब मेरा खून खोल रहा था भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा था भाई, मेरे को इनसे रिवेंज लेना, कुछ भी हो जाए मैं तो अब इनको छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखो फिर क्या था, जो मेरे टीममेट्स रहता है ना वो मेरे को यहाँ पे जल्दी से रिवाइव देता है, ठीक है। रिवाइव होने के बाद गाइस मैं एक ही बात सोच रहा था, भाई वो जो रेड क्रिमिनल और वो बनी बंडल रहते हैं ना, वो भाई इनसे रिवेंज ले या फिर इनसे बदला ले चाहे ना ले, मैं तो जरूर लूंगा भाई, मैं तो इनको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं अपने जो मेरा एक टीममेट्स रहता है ना जो मेरे को रिवाइव दे रहता है, मैंने अपने टीममेट्स को तुरंत यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई जल्दी से तू अपना मेरे को यहाँ पे लूट वगैरह दे, ठीक है। क्योंकि देखो यार मेरे को लूट करने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो गाइस जो मेरा टीममेट्स रहता है ना जल्दी से मैं उसको पूरा लूट वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस लूट लेने के बाद भाई मैं एक ही चीज सोच रहा था, भाई मैं अब उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अब उन पापा की परियों को ना कुत्तों की मौत मारूंगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो मेरे टीममेट्स ना मेरे को यहाँ पे पूरा अपना लूट वगैरह दे देता, मतलब यार काफी ज्यादा अच्छा लूट रखा था मेरे टीममेट्स के पास। 7 वॉल थे, एक मतलब शॉर्ट रेंज की गन और एक लॉन्ग रेंज की गन, मतलब मेरे पास लूट बहुत अच्छा खासा आ जाएगा था, ठीक है। तो गाइस फिर क्या था, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत डबल डोर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा लूट करता हूँ। तब तक गाइस मेरे को फिर से बाहर के साइड से यहाँ पे फाइट करने का यहाँ पे सिंबल आता है, मतलब देखो आगे फाइट चल रहा था मेरे को साउंड आता है। तो गाइस फिर क्या था, मैं तुरंत जाता हूँ आगे की साइड में, देखता हूँ भाई आखिर यहाँ पे आगे कौन फाइट कर रहा। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई वहाँ पे फिर से वो जो रेड क्रिमिनल बनी बंडल फिर से रिवाइव होकर अपनी वही सेम प्लेस पे आते हैं गाइस उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से गाइस फिर से वो जो रेड क्रिमिनल होता है ना वो वहाँ पे डाउन होता है। एंड गाइस देखते देखते भाई वहाँ पे वो बनी बंडल भी डाउन हो जाता है। तो गाइस फिर कहता मैंने सोचा भाई इस बार तो मैं इन लड़कियों को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो ये लड़की मेरे ऊपर रस भी करती है, लेकिन गाइस जैसे तैसे करके मैंने फिर से एक लड़की को यहाँ पे डाउन कर दिया था। एंड गाइस तभी मेरे सामने यहाँ पे दूसरी लड़की आती है, दूसरी लड़की को ये गंदा वाला हेड मार के डाउन कर दिया था। तब तक गाइस यहाँ पे देखो तीसरी लड़की
रहती है। तीसरी लड़की को भी यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखो लास्ट में इसको एक गोली मार के यहाँ पे इनकी पूरी स्क्वाड यहाँ पे मार देता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो यार, ये जो रेड क्रिमिनल रहता है ना, ये यहाँ पे डाउन पड़ा रहता है। एंड गाइस लिटरली यार दुर्भाग्य से मैं इसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि गाइस देखो यार मैं तो इसको रिवाइव तो कर नहीं सकता था। एंड गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बनी बंडल भी यहाँ पे डाउन पड़ा था। मतलब गाइस लिटरली यार ये जो मेरे मतलब जो बनी बंडल और जो रेड क्रिमिनल रहते हैं ना, ये मेरे फ्रेंड रहते हैं। एंड भाई मैं चाह के भी यार इनको कुछ मतलब मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता था, मैं इनको बचा नहीं सकता था, क्योंकि गाइस देखो यार मैं तो इनको रिवाइव नहीं कर पाता। अगर इनका कोई टीममेट्स रहता ना, हाँ वो जरूर इनको रिवाइव कर पाता। लेकिन गाइस मैं क्या करूँ यार, मेरे को तो पता नहीं था ना कि इनकी कोई टीममेट्स भी वगैरह भी है। लेकिन कोई ना गाइस, अपन लोग ने तो भाई पूरा ट्राई किया। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई बाहर की साइड, यहाँ पे एक कोई हिप हॉप बंडल मेरे को दिख जाता है, ठीक है, सामने की साइड खड़ा। तो गाइस मैं चाहता तो उसको तभी मार सकता था, लेकिन गाइस मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। मैं देखना चाहता था कि भाई ये जो हिप हॉप बंडल है आखिर ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत हिप हॉप बंडल के पीछे आता हूँ। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई ये हिप हॉप वाले को यहाँ पे नेट चला गया। तो गाइस मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई इसको जल्दी से यहाँ पे मार देते हैं। एंड गाइस लिटरली यार ये जो हिप हॉप वाला रहता है ना, यहाँ पे मतलब ये डाउन भी होता है। डाउन होने के बाद गाइस देखो जल्दी से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं तुरंत आगे के साइड जाता हूँ। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे बॉक्स के अंदर यहाँ पे येलो क्रिमिनल रहता है। और भाई ये वही येलो क्रिमिनल रहता है, रेड क्रिमिनल का फ्रेंड, बनी बंडल का फ्रेंड रहता है। गाइस इसको देख के भाई यहाँ पे देखो मैं इससे टीम अप करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे यार फिर से वही सीन होता है भाई, यहाँ पे जोन हम लोग का साथ नहीं देता है। और गाइस यार लास्ट में यार जोन के चलते भाई ये येलो क्रिमिनल यहाँ पे मर जाता है। और गाइस यहाँ पे हम लोग मतलब हम लोग की यहाँ पे भुइया होती है। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे वीडियो भी एंड हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। गाइस आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।